ये तो आपने अभी देखा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस किस तरीके से, मैंने गवर्नेंस को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग शेयर यूज ऑफ आईटी, वो आपने देख लिया किस तरीके से इन लोगों ने गवर्नमेंट माने एक तो सिटीजन को किस तरीके से गवर्नमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं वो दिखाया, और गवर्नमेंट किस तरीके से सिटीजन को माने डिसिप्लिन में और अच्छे वातावरण में रख सकती है वो भी अब आप लोगों ने देखा। मैं समझती हूँ कि ये एक किस्म से डिजिटाइजिंग राजस्थान जिसकी बात कर रहे हैं अपन और डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। अभी इसके पहले ही आपने देखा एक और उसका फैसेट जिसमें कंपनीज के साथ पीपी करके यूजिंग आईटी हम लोगों ने सिटीजन्स को किस तरीके का क्या बोलते हैं अपग्रेडमेंट नहीं, किस तरीके से उनको कम्युनिकेशन का एक लेवल बढ़ा के वो उनको माने सिटीजन और गवर्नेंस के साथ जोड़ा है उनको, एक एक लेवल आपने देखा, इधर आपने एक लेवल देखा, ये 2005 में जो चालू हुआ था आज इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया है। मैं समझती हूँ कि अगर ये जिस तरीके से चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा तो इसका बहुत बड़ा फायदा राजस्थान को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपने अभी देखी जहाँ आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, अब अगली बार आप सड़क पे चलोगे तब जरा संभल के, और इसका फायदा और दूसरे सड़क पे चलने वालों को भी मिलेगा, तो एक से एक और एक से और आगे ये इस तरीके से राजस्थान के अंदर खबरें भी फैलेंगी और काम भी अच्छा होगा। यही मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा फैसेट है।